हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, बिग अपडेट है फिफ्थ सेमेस्टर के सोल के स्टूडेंट के लिए। फाइनली उनका एडमिशन फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको अपना फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म फिल करना है। हाउ टू फिल फिफ्थ सेमेस्टर एडमिशन फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म, स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। सिंपली आपको सोल की साइड पे आ जाना है, उसके आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना है, उसके आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, उसके यहाँ आपसे सोल रोल नंबर मांगेगा और बार कोड मांगेगा। तो ये दोनों चीज़ आपके आईडी कार्ड पे होती है, तो ज़रा मैं इसे फिल कर लेता हूँ। जैसे आप सोल रोल नंबर और बारकोड डालोगे तो आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ। अभी थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट नहीं हुए, फिफ्थ के हुए, तो फिफ्थ सेमेस्टर पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको उससे दोबारा लॉगिन के लिए बोल रहा है, सोल रोल नंबर डालना और बारकोड डालना है। तो दोबारा एंट्री कर देते हैं। जैसे आप एंट्री कर दोगे तो आप इसे ऐसे अंदर आ जाओगे। देन उसके बाद जैसे ही आपके सामने कुछ आ रहा है कि अगर आप जैसे कोई एडिशनल पेपर आप जैसे बैग वगैरह का भरना चाहते हो, उसके 400 फीस अलग से लगेगी और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। तो कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। उसके आपको ये क्लिक हियर पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना है एग्ज़ामिनेशन पे। ये कहाँ पहुँच गया मैं, एग्जामिनेशन पे जाना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। ऊपर आपकी डिटेल होती है, डिटेल आपको हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऊपर सो रहे हैं और ये ये आपके सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे आप जैसे सेलेक्ट करने के बाद देन उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको जैसे आपको किसी में इम्प्रूवमेंट करवाना है, जैसे फोर्थ सेमेस्टर में अगर इम्प्रूवमेंट कराना है फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, तो यहाँ आप टिक लगा सकते हो। वैसे तो पास है, अगर किसी में बैक है तो यहाँ टिक लगा सकते हो, उसका भी पेपर आप दे सकते हो। फिर उसका व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये जो जो सब्जेक्ट आपने फिफ्थ और सिक्स के लिए चूज़ कर लिया है या उसके बाद आपके पेमेंट के लिए बोलेगा। तो पेमेंट के लिए चाहते हैं पेमेंट्स की कितनी जा रही है, पेमेंट जाएगी आपकी 3875 रुपये, ठीक है, विदाउट किसी बैक के पेपर की। जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन पे जाएगा, ठीक है। फिर आप अभी पेमेंट का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पेमेंट जैसे आप करोगे तो आपकी जो फी रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। तो ये थी वीडियो स्टेप बाई स्टेप फिफ्थ सेमेस्टर एडमिशन फॉर्म हाउ टू फिल। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्जेक्ट ध्यान से चूज़ करिएगा फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के। और बाकी कोई अगर पेपर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो उसके सामने आप टिक लगा के फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।